सुना है कि राजनीति में जो युवा होते हैं वो बड़े ही तेजस्वी और ओजस्वी होते हैं, और जब ये युवा इस शब्द को पलट दिया जाए तो वो वायु बन जाता है, और वायु यदि धीमी चले तो सुगम, सरल और शीतलता देती है, लेकिन जब ये तेज रफ्तार पकड़ ले तो आंधी और तूफान का रूप ले लेती है। मध्य प्रदेश की राजनीति में भी एक ऐसा ही उभरता हुआ चेहरा है जो कि डॉक्टर नरोत्तम मिश्रा जी के सुपुत्र तो हैं ही, लेकिन सुकर्ण मिश्रा इस नाम ने अपना एक अलग मुकाम, एक अलग छाप जो है जनता पर छोड़ी है। दतिया महोत्सव हाल ही में संपन्न हुआ है, पूरी कमान उन्होंने संभाली थी। हमारे साथ खास बातचीत के लिए एमपी न्यूज पर मौजूद है सुकर्ण जी, बहुत बहुत स्वागत है सबसे पहले तो एमपी न्यूज पर। सुकर्ण जी अपनी मुस्कान के लिए भी जाने जाते हैं, बड़े से बड़े फैसले को निडरता से अंजाम देते हैं, और अब जब दतिया महोत्सव के जरिए जनता का दिल जीता है तो कैसा कुछ वो अनुभव कर रहे हैं, सीधी बातचीत करते हैं। दतिया महोत्सव इतना बड़ा आगाज किया, पूरा मंच का संचालन आपने देखा, व्यवस्थाएं आपने देखी, मैनेजमेंट आपके हाथों में था, कैसा ये अनुभव रहा? बहुत ही अद्भुत जी। हमारे यहाँ दतिया एक पौराणिक शहर है, देवी देवताओं का शहर है, तो यहाँ सांस्कृतिक कार्यक्रम होते आए हैं। ये मिजाज है दतिया का, माई की नगरी है, माई की कृपा रही, और जो समिति थी उसने आयोजन को पूरी तरह से अपने इर्द गिर्द आने वाले मेहमानों से लेके, न्यायाधीशों से लेके, पत्रकार बंधुओं से लेके, सभी ने मिलजुल के एक प्रयास किया, और साथ ही साथ पुलिस की भूमिका बहुत अहम रही। बिल्कुल, बिल्कुल। क्योंकि हमारे यहाँ उसी दौरान दौज का मेला लगता है, जहाँ लगभग 17 से लेकर 18 लाख लोग दर्शन करने आते हैं देवी मैया रतनगढ़ पर। उसके बावजूद, पूरी रात जगने के बावजूद, वो प्रशासन भी लगा रहा, युवा लड़कों ने जो अनुशासन दिखाया है इस कार्यक्रम में, वो अपने आप में अतुलनीय है। नहीं तो आप देखोगे अमूमन ऐसे कार्यक्रमों में कहीं स्टैंड टूट जाता है, कभी कुर्सियां टूट जाती हैं, लेकिन दतिया की अनुशासन की मैं प्रशंसा करना चाहूंगा। बिल्कुल ठीक बात है। हम आपको ये भी बता दें कि जो दतिया महोत्सव हुआ ये पूरी तरह से संस्कारित महोत्सव था, और ऐसा शायद पहली बार हुआ है। आपने मंच से ही कहा था कि पुलिस का कोई बैरिकेड जो है वो क्षतिग्रस्त नहीं हुआ। बिल्कुल, आमतौर पर ऐसे बड़े बड़े आयोजनों में पुलिस के बैरिकेड तोड़ दिए जाते हैं। मुझे ऐसा लगता है कि अगर कोई अच्छा काम कर रहा है तो हमें उसे प्रोत्साहन देना चाहिए। बिल्कुल ठीक। और ये महोत्सव विगत वर्षों से होता आया है, उसके बाद युवा अपना संयम रखते हैं। बिल्कुल। जैसा हमारे शिवलिंग निर्माण के कार्यक्रम जो रुद्री बनी थी घर में, वहां भी मैंने कहा कि युवा लड़का उस भाव से उस घर में जाए जिस भाव से वो माँ इंतजार कर रही है कि बेटा आया है रुद्री लेने, बहन इंतजार कर रही है कि उसका भाई आया है रुद्री लेने, उसकी पूजा तब संपन्न मानी जाएगी जब वो रुद्री विसर्जित हो जाएंगी। चलिए, बड़ी बात है, धार्मिक भी हैं और सियासत की थोड़ी बात यहाँ पर करने की कोशिश करते हैं, क्योंकि सुकर्ण मिश्रा जी के बारे में कहा जाता है कि युवाओं की एक लंबी फौज जो है उनके पीछे कदम ताल करती है। हमने सुना है कि आने वाले कल के आप एक उभरते हुए नेता हैं, और यदि राजनीति में सक्रिय रूप से अवसर मिला, पार्टी ने दिया, तो आप पूरा मैदान संभालने के लिए तैयार हैं, पूरी तरह से पॉलिटिकली फिट हैं? सबसे पहले तो ये कहूँगा मेरे पीछे कोई भी नहीं चल रहा है, मेरे साथ चलते हैं, मेरे सब सहभागी हैं। भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता हैं और बहुत मेहनत करते हैं भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ताओं ने। कोरोना में आपने देखा होगा, घर घर जाके हमने राशन वितरण किया, हमने सुनिश्चित किया कि रेमडेसिविर, ऑक्सीजन सिलेंडर, बेड, माननीय नरोत्तम मिश्रा जी बंगाल से, पिताजी खुद देखते थे कि कोई बीमार ना रह जाए। तो मैं ये मानता हूँ फिट या अनफिट ये फैसला जनता को और पार्टी को करना है। मैं उस गिलहरी की तरह हूँ जब नल नील पुल बना रहे थे, बड़ी बात, तो मैं अपनी पीठ रगड़ के जो रेता डाल सकता था जी, जी, मैं उतना काम अपना सुनिश्चित कर लूं, ये मेरे लिए पर्याप्त है। बिल्कुल ठीक बात है। एक युवा होने के नाते क्या महसूस करते हैं जब आप जन सेवा करते हैं, लोगों की भलाई का काम करते हैं? हमने देखा कि कई ऐसे आपके विधानसभा क्षेत्र के लोग थे जो निर्धन थे, कोरोना काल में लॉकडाउन में संघर्ष को मजबूर थे, दो वक्त की रोटी का इंतजाम नहीं कर पा रहे थे, लेकिन आप उन तक पहुंचे, मास्क को पहने रहा आपने, और अपनी जान को एक तरह से जोखिम में डालकर आप जनता के बीच जाते थे, उन्हें अनाज, गेहूं, दाल, चावल ये सब मुहैया कराते, तो कैसा अनुभव करते हैं? क्या राजनीति ऐसा अवसर है जिसका सही मायनों में सेवा के रूप में जो है एक संकल्प को सिद्ध किया जा सकता है? आप एक उदाहरण के तौर पर समझिए, अगर मैं नौकरी कर रहा होता जी जी, तो मेरी अपने बॉस के प्रति एक जिम्मेदारी होती कि मुझे सर्टेन अमाउंट में सर्टेन काम निपटाना है। जी जी, मैं इसको भी उसी तरह लेता हूँ कि हमें प्रोफेशनली काम करना चाहिए। बड़ी बात। सुबह उठ के आपको जो जिम्मेदारी है, जो आपसे उम्मीद है कि आप जनता के बीच में जाओगे, जनता की सेवा करोगे, चाहे कोरोना काल हो या कोई सा काल हो, बाढ़ के काल में सुबह 7:30 बजे में ब्रिज पर पहुंच गया था, क्योंकि कैसे ना कैसे वो भी जो व्यक्ति पड़ा है आप ही के सहारे तो है। अगर भारतीय जनता पार्टी को उसने वोट दिया है तो उसने ये उम्मीद भी तो की है कि भारतीय जनता कार्यकर्ता उसके काम को सुनिश्चित करे और मुकाम तक पहुँचाए। तो यही प्रयास है विगत 40 वर्षों से, आप देख रहे हो माननीय मंत्री जी जी जी, सवेरे 5 बजे से रात के 11 बजे तक जी जी सुनिश्चित करते हैं कि जनता के काम होते रहें। मध्य प्रदेश के युवाओं को क्या कहना चाहेंगे आप? जो लोग भी राजनीति को बाहर से देखते हैं और इसके बारे में गलत बोलते हैं, ऐसा नहीं है जी जी। मैं आपको आपसे आह्वान करूंगा चैनल के माध्यम से कि राजनीति में आए,
जुड़ें। जब तक पढ़े लिखे युवा राजनीति में नहीं आएंगे, तब तक हम इस देश को बेहतर गति से आगे नहीं ले जा पाएंगे। हमारे प्रधानमंत्री जी का जो सपना है वो हमें साकार करना है। सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास। बहुत बड़ी बात है, सुकर्ण मिश्रा जी के नाम में ही इतनी गहराई है। और कहा यह भी जा सकता है कि उन्होंने सेवा को अपने जीवन का लक्ष्य माना है। शायद यही वजह है कि अपने पिता से जो राजनीतिक संस्कार और गुण मिले हैं, वो निडरता और जो निर्भीक भाव है, वो साफ तौर पर परिलक्षित भी होता है आपकी बातों से। और एक सेवा का जो जज्बा है, वो साफ तौर पर देखा जा सकता है सुकर्ण मिश्रा जी के कामों के जरिए। बहरहाल उम्मीद है कि यदि राजनीति में ऐसे युवा आएंगे तो राजनीति की परिभाषा भी पवित्र होगी और शुचिता की जो बात भारतीय जनता पार्टी करती है, मुझे लगता है वो सही मायनों में आत्मसात हो पाएगी। आज हमने आपकी मुलाकात कराई सुकर्ण मिश्रा जी से। उम्मीद है कि दतिया महोत्सव का आगाज होने के बाद ऐसे महोत्सव का सिलसिला पूरे प्रदेश भर में जारी रहने वाला। बिल्कुल, पूरी तरह से। एमपी न्यूज के इस खास सेगमेंट में इतना ही। खास कार्यक्रम आपको कैसा लगा हमें जरूर बताइएगा और ताजा तरीन खबरों के लिए लगातार बने रहिएगा आपके अपने न्यूज चैनल एमपी न्यूज के साथ। फिलहाल दीजिए इजाजत, नमस्कार।